भैल पंचायत के बरौटी गांव में कारगिल की लड़ाई में 1999 में शहीद हुए सैनिक दीपचंद राणा के गांव की ओर जाने वाला सड़क मार्ग अब तक भी पक्का नहीं किया जा सका है। इस सड़क मार्ग को पक्का किए जाने से 13 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। 4 किलोमीटर का यह सड़क मार्ग अरसे से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग, विधायक व मंत्री हर बार इस सड़क मार्ग को ठीक करवाने का आश्वासन देते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। वर्ष 2013 में इस सड़क मार्ग पर बजरी डाले जाने के साथ ही डंगे व पुलिया भी बनाई गई हैं, लेकिन उसके बाद काम वहीं का वहीं रुका पड़ा है। हालात इस कदर बदतर है कि मरीजों को चारपाई पर लाने के लिए लोग मजबूर हैं। स्थानीय बासिंदों ने इस सड़क मार्ग के काम को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग की है, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। 2013 में पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक संज्ञान लिया था इसको पक्का करने का सड़क को, लेकिन 2013 से 13 में डंगे लगाए, पुलियां लगाई और करोड़ों रुपए जो विभाग ने जो खर्च किया, और 2013 से लेके 2018 तक उन्होंने, हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को सूचित किया तो उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया, एक्शन साहब ने, एसडीओ साहब ने, कि इसको हमने नबार्ड में डाला था। लेकिन जब हमने उनको पूछा कि आप क्यों नहीं इस काम को कर रहे, तो बोले अब इसको 2019 में, तो 2019 में भी हमने उनको सूचित किया तो उन्होंने हमारे को यही आश्वासन दिया कि 2020 में, लेकिन काफ़ी टाइम से यह समस्या चली आ रही है। हमारे पादरी लाल जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके मौजूद होने के कारण भी हमारे तक अभी तक किसी ने नहीं पूछा सड़कों के लिए। सड़कें अभी है वो कच्ची है सब, और क्या नाम, बस की कोई सुविधा नहीं है। पंचायत का 15 साल तक प्रधान और पंच रहा हूँ, लेकिन मैं अपने दरबारों ने भी इसमें जो थी वो काफ़ी कोशिश की सरकार के पास के इस सड़क को और इस पब्लिक को बस से की सुविधा दी जाए और सड़क बनाई जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए ये पूरी पंजाब दंगोटा पंचायत से भैल पंचायत जो है वो अलग हुई है, इसमें कोई भी प्राइवेट या सरकारी बस नहीं जाती है, पूरी पंचायत जो है वो इससे कट ऑफ है। इसलिए बस आज के ज़माने में बस का जाना आना और एजुकेशन का होना जो बहुत ज़रूरी है, जिससे हम जो है वो पूरी पंचायत जो है कट ऑफ है। इसलिए हम सरकार से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी तहसील को देखा जाए, नहीं तो हम जो हैं वो अंग्रेजों की तरह जो है वो गुलाम हैं। गौरतलब है कि कारगिल युद्ध में बरौटी गांव का दीपचंद राणा शहीद हुए तो सरकार ने उनके गाँव तक सड़क निकाले जाने के साथ ही उसका नाम शहीद दीपचंद राणा सड़क मार्ग रखने की घोषणा की। वर्ष 2002 में काम शुरू हुआ, लेकिन 2 किलोमीटर के बाद बंद कर दिया गया। वर्ष 2013 में लोगों के आक्रोश के चलते पुनः आगे का काम शुरू हुआ। सड़क मार्ग पर सोलिंग भी नहीं की गई, व डंगे लगाने के साथ ही पुलियां भी बनाई गई। लेकिन अब फिर ये काम पिछले 7 सालों से बंद पड़ा है। इस दौरान कई ग्रामीण गंभीर रूप से बीमार होने पर पालकी में लाए जाने के चलते रास्ते में ही दम तोड़ गए। बावजूद इसके अभी तक इस संदर्भ में उचित कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकी है। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।